नमस्कार। हमारे घर में मंदिर मीन्स टेम्पल या कोई भी वर्शिप प्लेस कहाँ पर होना चाहिए उसके बारे में आज बात करेंगे। और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है, ईशान्याम देवता गृहम, अर्थात हमारे घर के ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर या पूजा स्थान बनाना चाहिए। अब ये कॉमन मान्यता है जिसके बारे में हम सबको पता है। अब इसी सूत्र के ऊपर ज़्यादा रिसर्च करते हुए वशिष्ठ संहिता के ऊपर एक टीका लिखी गई है और उसमें यह ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तरे पूर्वे ईशाने च देवतालयम प्रशस्ते बुधे ही वायव्ये आग्नये ब्रह्मस्थाने च देवता गेहम प्रकीर्तितम, अर्थात नॉर्थ ईस्ट दैट मीन ईशान कोण में देवता का गृह बनाना श्रेष्ठ है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में भी मंदिर बना सकते हैं, हम ईस्ट डायरेक्शन में जो रूम है वहाँ पर भी मंदिर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो एज ए मीडियम ऑप्शन हम वायव्य कोण दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी टेम्पल बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हम अग्नि कोण दैट मीन्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी टेम्पल बना सकते हैं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो हम वास्तु के सेंटर में दैट मीन्स ब्रह्मस्थान में भी मंदिर बना सकते हैं। सो सिर्फ ये मानना कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हम हमारे घर के सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण में मंदिर बना सकते हैं एक तरह की नासमझी है। अगर हम साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक लाइन बनाए और इस सूत्र को समझे तो समझ में आएगा आपको कि पूरे का पूरा हाफ द रीजन, हमारे 9 जोन होते हैं वास्तु के, मुख्यतः 8 दिशा और सेंटर, उसमें से नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और सेंटर, इतनी सारी जगहों पर हम मंदिर बना सकते हैं। अब एक दफ़े कौन से रूम में हमें मंदिर बनाना चाहिए या वर्शिप का प्लेस बनाना चाहिए यह तय हो चुका, उसके बाद जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि जो हमने रूम पसंद किया है फॉर पूजा या टेम्पल या वर्शिप, उस रूम के अंदर हमें किस तरफ देवता का एक्चुअल मंदिर रखना चाहिए, देवता की पोजीशन किस तरह की होनी चाहिए, और उसके लिए मय मतम में यह स्पष्ट सूत्र दिया गया है, स्थापयेत किंचित ईशानम आश्रयित्वा विचक्षणः, अर्थात ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हमें मंदिर को इस तरह से रखना चाहिए ताकि जब हम देवता की तरफ देखें या फिर जब हम वर्शिप करें तब हम ईस्ट डायरेक्शन में देखें और देवता वेस्ट डायरेक्शन में देखें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अन्य ऑप्शन के आधार पर हम जब वर्शिप करते हैं तब हम नॉर्थ डायरेक्शन को देखें और देवता की जो मूर्ति है वह साउथ की तरफ देखें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। अब मंदिर की लोकेशन एक दफ़े तय हो गई, मंदिर का कौन सा रूम है वह तय हो गया, उसके बाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसके बारे में हमें बार बार पूछा जाता है और वो है साइज ऑफ द मंदिर, मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। और उसके लिए शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि घर में बड़ा मंदिर नहीं बनाना चाहिए, दैट मीन्स घर के अंदर बड़ा मंदिर नहीं बनाना है। आप वास्तु मीमांसा का सूत्र देखें, गेहे देवायतनम विपुलन न कथयमि सस्यते विबुधे ही। अब कितना प्रिसाइसली हम मंदिर बना सकते हैं उसका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वह डिपेंड करता है कि हमारे वास्तु की साइज क्या है। हमारे वास्तु के साइज के अनुसार, हमारे वास्तु के डायमेंशंस के अनुसार
हमें मंदिर का डायमेंशन चूज करना होता है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। और इसी कारण से हमारी आपको सलाह है कि आपको किसी विद्वान वास्तुशास्त्री की सलाह लेनी चाहिए कि आप मैक्सिमम कितना बड़ा मंदिर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं यह चीज़ आपको समझ में आए उसके लिए दो सिद्धांत स्पष्ट करना चाहूँगा। पहला, मंदिर बड़ा नहीं होना चाहिए, और सेकंड, आपके घर के डायमेंशन के आधार पर मंदिर का डायमेंशन तय होगा। और उसके लिए मैं मतम में यह श्लोक दिया गया है, गृहित भवन स्तंभ द्वार मान वशादपि यथा जातम तथा बैरवशात सौधम प्रकल्पयेत। अब इसके बाद जब बात तय हो गई मंदिर कौन से रूम में बनाना है, मंदिर को किस डायरेक्शन में रखना है, कौन सी वॉल के ऊपर रखना है, कितनी साइज का बनाना है, उसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये होता है कि मंदिर में क्या रखें। क्या मंदिर में हम किसी देवता का फोटो रखें, या मंदिर में किसी यंत्र को रखें, किसी चिन्ह को रखें, या फिर कुछ भी ना रखते हुए सिर्फ ओम का सिंबल रख दे, या फिर कुछ भी ना रखे, मंदिर को खाली रखे, एक वर्शिप का प्लेस बना के रखे। उसके लिए मैं मतम में ही ऐसी स्पष्ट धारणा दी गई है कि तीन तरह से ईश्वर को पूजा जा सकता है, और उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है, निष्कलम सकलम मिश्रम लिंगम चेति त्रिधा मतम। अर्थात कोई व्यक्ति होंगे जो मूर्ति या आइडल को पूजेंगे, कोई व्यक्ति होंगे जो किसी चिन्ह को पूजेंगे, ओम या स्वस्तिक जैसा कोई चिन्ह हो गया, कोई अपने गुरुदेव का या देव के फोटो को चूज करके उसकी पूजा करेंगे, या कोई यंत्र जैसी ज्योमेट्रिकल फिगर को पकड़ के उसकी पूजा करेंगे। सो किसी भी फॉर्म में आप पूजा करो, ये तीनों रूप में ही ये चीज़ें आएगी, आइधर कोई आइडल होगा या सिंबॉलिक होगा, आइकॉनिक होगा या ज्योमेट्रिकल शेप होगा। अब कुछ कुछ व्यक्ति होंगे जो निराकार स्वरूप की ईश्वर की कल्पना करते हैं, उनके लिए भी वर्शिप के लिए एक स्पेस हो, ऐसा स्पष्ट शास्त्र में कहा गया है कि आप वैसे तो ईश्वर सभी जगह पर ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी जब हम साधना करते होते हैं, जब हम सिद्ध हो जाए, तब हम किसी भी दिशा में बैठ के कहीं पर भी ईश्वर का पूजन कर सकते हैं। लेकिन जब हम साधना कर रहे हैं, जब हम साधक हैं, तब हमें सभी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और इसीलिए शास्त्र में आगे जाकर एक अन्य बात कही गई है, और वो है साइज ऑफ द मूर्ति और यंत्र। और इसी बात को समझाते हुए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि घर के मंदिर में, दैट मीन्स गृह मंदिर में, 6 इंच, 9 इंच या 12 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति, यंत्र या सिंबल नहीं रखना चाहिए। आप मत्स्य पुराण का श्लोक देखें, अंगुष्ट पर्वदारंभ वितस्तिर याव देवतु गृहेशु प्रतिमा पूज्या न अधिक सस्यते विबुधे ही। अर्थात 9 अंगुल या 9 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। सो हमारे गृह मंदिर में 9 इंच या मैक्सिमम 12 इंच से ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अब मूर्ति या यंत्र की साइज तय करने के बाद एक कॉमन चीज़ जब हम किसी भी घर को विजिट करते हैं वास्तु में, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए, एक देव की हम कितनी मूर्तियाँ रख सकते हैं। याद रहे शास्त्रों में इसके लिए बड़ी विशदता से चर्चा की गई है, और इन सब को इस वीडियो के अंदर समाविष्ट करना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप आपके घर के अंदर कितनी मूर्तियाँ किसी एक देव की रख सकते हैं, वह जानने के लिए आपको किसी विद्वान वास्तुशास्त्री की सलाह लेनी चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पर वेद वास्तु प्रभाकर और रूपमंडन का एक श्लोक दे रहा हूँ जो ये दर्शाता है कि आपकी पूजा में आप कितने देव रख सकते हैं। आप श्लोक देखें,
गृहे लिंगाद्वयं न अर्च्यं गणेशं त्रयमेव च शक्तित्रयं तथा शंख मत्स्यादि दश कांकिम। अर्थात घर के मंदिर में एक पूजा में दो शिवलिंग, तीन गणपति, तीन देवियों की मूर्ति, तीन शंख, मत्स्यादि विष्णु के नव अवतार, दो गोमती चक्र, दो शालिग्राम, दो सूर्य मूर्ति, दो शंख नहीं रखने चाहिए। अगर वैसी व्यवस्था होगी तो उससे उद्वेग या दुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहती है जब हम किसी घर को विज़िट करते हैं, वो ये होती है कि घर के मंदिर के अंदर हम ध्वजा लगाते हैं। वास्तु विद्यायम में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि गृह मंदिर में ध्वजा नहीं लगानी चाहिए। आप श्लोक देखें, न कदापि ध्वज दंडो स्थापयो वै गृह मंदिरे कलश आमल सारौ च शुभदौ परिकीर्तितौ। अर्थात गृह मंदिर में कभी भी ध्वजा मीन्स फ्लैग नहीं होना चाहिए। कलश हो वो अच्छा फल देता है। याद रहे इतनी सूक्ष्मता से यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ सिद्धांतों को टच किया है। इतनी डिटेल में वास्तु शास्त्र में बातें की गई है हमारे होम टेम्पल के बारे में। इतना ही नहीं, पूजा उपासना या वर्शिप का जो मुख्य आशय है वह है हमारे पाप कर्मों का क्षय करना, हमारे पुण्यों का उदय करना और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करना। शास्त्र ऐसा स्पष्ट कहता है कि जब आप साधक हो तब आपको सिद्धांतों के अनुसार ही, वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार ही मंदिर बनाना चाहिए और देवता की मूर्ति या यंत्र की साइज भी उसके अनुसार ही होनी चाहिए, तो ही आपके जीवन में श्री, संपत्ति, सौभाग्य या सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको दुख और उद्वेग की प्राप्ति होगी। मैं मत में उसके लिए यह स्पष्ट विधान दिया गया है, एवं स्थापयम लिंगम उक्त प्रकारम श्री सौभाग्य आरोग्य भोग्य प्रदायी उक्ताद अन्यत यत कृतम विपत्यय प्रयुक्त नित्यम रोग शोक प्रदम स्यात। अर्थात वास्तुशास्त्र के जो सिद्धांत दर्शाए गए हैं उसके अनुसार ही आपको घर में मंदिर या वर्शिप का प्लेस बनाना चाहिए। अगर आप उस सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते तो आपके जीवन में रोग और शोक आ सकते हैं और बहुत सारी आपत्ति आ सकती है। और उससे उल्टा, अगर हम सिद्धांतों को फॉलो करके मंदिर बनाएंगे, वर्शिप करेंगे, मूर्ति रखेंगे, तो हमारे जीवन में श्री दैट मीन्स लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अच्छे लक की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। मुझे आशा है कि इतने सिद्धांतों को अगर हम फॉलो करके हमारे घर के अंदर मंदिर या वर्शिप का प्लेस बनाएंगे तो सुनिश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। शुभम भवतु, प्रणाम।